गाइस हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको नीचे नीचे का सीन दिखाते हैं। अब नीचे जा रहे हैं। वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों नैनीताल से हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम। कैंची धाम नैनीताल से 15-20 किलोमीटर दूर है और लगभग हमें अभी 1.5 घंटा लग जाएगा। दोस्तों यहाँ इतनी ठंड हो रही है, रात हम होटल में रुके थे, काफ़ी बहुत ठंड लग रही है और सुबह 9 बजे से वहाँ से निकले हैं। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो कितना कोहरा है और मौसम कितना प्यारा है और ठंड बहुत हो रही है और हम घर से जैकेट लेके आए नहीं, बहुत ठंड लग रही है, कपड़े भी डबल पहनने पड़ रहे हैं। बाकी चलो आपको लेके चलते हैं कैंची धाम, आपको दिखाते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है मॉर्निंग टाइम में। तो आज अभी आपको आगे लेके चलते हैं गाइस आप देख सकते हैं ये भी आ रहा पहाड़ों से पानी, काफी ऊंचाई से आ रहा है और ऊपर से मलबा भी गिरा है। यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा और आप देख सकते हो पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो पानी भी बहुत ठंडा है, यहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए गाइस ये कितनी ऊंची पहाड़ी है, अभी आपको और आगे लेके चलते हैं कैंची धाम मंदिर। गाइस आप देख सकते हो हम आ गए व्यू पॉइंट पर। यहाँ इतनी प्यारी जगह आती है, इतने फोटो अच्छे आते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी जगह। और आप देख सकते हो इधर कोहरा कितना है, बहुत ज़्यादा, और खाई भी काफ़ी बड़ी है, बहुत प्यारी जगह है और बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कल से बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है ना। गाइस हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको नीचे का सीन दिखाते हैं। अब नीचे जा रहे हैं। गाइस हम कैंची धाम मंदिर में आ चुके हैं और अंदर हम जा रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ काफी दूर दूर से लोग आए हैं कैंची धाम मंदिर। गाइस आप देख सकते हो इतना सारा पानी चल रहा है और कितने प्यारी जगह लग रही है। और ये पता नहीं कौन सा फल है। गाइस इस तरफ से ये नदी का पानी जा रहा है नीचे की तरफ। अभी हम अंदर चलते हैं कैंची धाम के अंदर, मंदिर के अंदर। गाइस सिस्टम हम कैंची धाम में हैं और दोस्तों अंदर फ़ोन ले जाना मना है, फ़ोन चलाना। और यहीं से हम बना सकते हैं श्री वैष्णो देवी मंदिर कैंची धाम में। फोन अंदर अलाउड नहीं है गाइस, तो हम इतना ही दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस काफी बड़ा मंदिर है कैंची धाम श्री वैष्णो देवी मंदिर है। गाइस अंदर हम गए थे माता जी का मंदिर और काफ़ी हम अंदर घूमे थे। आप सब लोगों के लिए दुआ मांगी हमने कि आप सब लोग ठीक रहें। और ये एक नदी का पानी आ रहा है ऊपर से और नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ थोड़ी धूप निकल आई पर पीछे काफ़ी ठंड थी, कोहरा भी हो रहा है ऊपर पहाड़ों पे।
दोस्तों काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ आके, और मंदिर में आके हमारा दिल खुश हो गया। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ सेल्फी लेने के लिए। बाहर अंदर जा नहीं सकते, अंदर सेल्फी लेना मना है। आप झरना देख सकते हो, पहाड़ देख सकते हो। गाइस आपने कैंचीधाम मंदिर तो देख लिया होगा, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। और दोस्तों अंदर कैमरा फोन चलाना मना है, अंदर सेल्फी नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। दोस्तों अंदर बहुत प्यारा मंदिर है, आप सब लोगों के लिए दुआ मांगी हमने, आप सब लोग ठीक रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये नदी भी बहुत प्यारी लग रही है, नदी भी आपको दिखा दी, पीछे की भी लोकेशन दिखा दी। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि मंदिर कैंची देवी कैसा लगा, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।